हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अहमद एंड वेलकम हेयर टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेशन सेंटर। आज की वीडियो मेरी कैलीग्राफी के रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको दो लेटर लिखना सिखाऊंगा, एम और एन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में ए लेटर को लिखना सीखा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एम और एन ए लेटर के साथ ही मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने उसके अंदर आपको सिखाया था, इसी तरह मैं इस कैलीग्राफी की वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा, और ये बहुत ही आसान लेटर है। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें हर स्टूडेंट के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि कैलीग्राफी के रिलेटेड मैंने तकरीबन 5 to 7 वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुख्तलिफ लेटर आपको लिखना सिखाए हैं। आगे भी सीरीज कैलीग्राफी की चलती रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपने लेटर लिखने के लिए मार्कर को इस तरह पकड़ना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ जैसे एक ही शेप बनाई थी, पहले मैं आपको एक ही शेप बनाना बता देता हूँ। ये पहले आपने इस तरह लाइन लगाई, फिर यहां से ही मोटा कट इस्तेमाल कर ये जैसे एक ही शेप बनाई थी। ये देखिए, एक ये शेप थी एक ही, और एक ये थी। ये देखिए, इस तरह आप एक ही शेप बना सकते हैं, और इसी से आगे मैं आपको एम और एन की शेप बनाना बताऊंगा। सबसे पहले आपने इसी तरह मार्कर की टिप को यूज करते हुए ये शेप बनानी है। सबसे पहले ये शेप बनाई, फिर आपने मोटे कट का इस्तेमाल करना है, फिर यहां से मार्कर को ऊपर ले जाना है, और मोटे कट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बड़ी कट का इस्तेमाल कर देना है एंड पे। ये शेप बन गई आपकी एम की। उसके बाद आपने ये शेप बना देनी है। मैं एक दफा फिर आपको एम लिखना बता देता हूँ। सबसे पहले छोटे कट का इस्तेमाल करना है, फिर ये इस तरह, ये आपके पास ये एन की शेप बन गई, और एन की शेप को ही आगे आपने एम की शेप में तब्दील कर देना है। ये देखिए, एम की शेप कितनी आसान है। अगर आपको ए लेटर लिखना आता है तो आप एम की शेप भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एन लेटर लिखना बता देता हूँ। इसी तरह आपने टिप यूज करनी है और ये शेप बनानी है। ये शेप बन गई, फिर उसके बाद आपने यहाँ से ये ले आने, मोटे कट का इस्तेमाल करना है, फिर आपने यहाँ पर एंड पे आकर ब्रीक कट का इस्तेमाल करके एन मुकम्मल कर देना है। उसके बाद आपने ये शेप बना देनी है। दूसरी वे से मैं आपको एन लिखना बता देता हूं। इसी तरह आपने करना है, और यहां पर आपने ये डाल लेना। अब मैं आपको 604 मार्कर के साथ ये लेटर्स लिख के दिखा देता हूं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो आप 604 का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे इजीली प्रैक्टिस हो जाती है इन लेटर्स की। आपने मार्कर को उसी तरह ही पकड़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद वही शेप बनानी है, ये देखिए, फिर उसके बाद आपने ये बना देना है। कैलीग्राफी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी राइटिंग को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है ये। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देगी ये आपकी राइटिंग को। उसके बाद मैं एम भी आपको लिख कर बता देता हूँ इसके साथ, 604 मार्कर के साथ। ये देखिए, इस तरह आप लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में एक पार्ट भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें हर स्टूडेंट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज यहाँ पर रेगुलर अपलोड होती हैं। मिलते हैं किसी अगली कैलीग्राफी की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।